गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबीज़ ब्लॉग फन एंड मस्ती। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बूढ़ी दिवाली मेले के बारे में काफ़ी कुछ बताया भी था और दिखाया भी था। तो इस ब्लॉग का मैं कर रही हूँ शाम के टाइम, क्या हुआ है, शाम के 3:45 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ अपने वीडियो का। तो अभी हम जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, तो देखते हैं। आपको सबसे पहले दिखाएंगे निरमंड की जो गलियाँ हैं, मेन मार्केट है, उसके बाद आगे तक दिखाएंगे कहाँ पर मेला होगा और दिखाएंगे आपको निरमंड की ट्रेडिशनल नाटी। तो बने रहिएगा व्लॉग में एंड तक। तो जी ये है निरमंड की मेन गलियाँ, एक ये वाली गली है और एक ये वाली गली, दोनों ही गलियाँ जो हैं सेम जगह पे मिलती हैं। और ये सारे हैं हमारे नॉन। हेलो, हाय, कैसे हो? कैसे हैं? गॉड ब्लेस यू। ठीक है, बढ़िया, आप सुनाओ। अभी आए? अच्छा, ठीक है, बढ़िया। दीदी कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक हूँ, आप सुनाओ, आप कैसे हैं? ठीक है। तो चलिए जी, निरमंड में तो सब लोग हमारे जानने वाले हैं, तो यहाँ से मैं आपको मेन मार्केट दिखाऊंगी। ये देखिए, पहले जो है इधर ही बूढ़ी दिवाली मेला हुआ करता था, दुकानें यहीं पे लगती थी। ये देखिए इधर दुकानें लगी थी, अब तो काफ़ी चेंजिंग आ गई है, यहाँ पे नई नई दुकानें खुल चुकी हैं। पहले ना यहाँ पे होता था मेला, इस ग्राउंड में दुकानें लगती थी, झूले वगैरह भी यहीं लगते थे। अब जो है सब कुछ चेंज हो चुका है। कंजस्टेड और तंग गलियों की वजह से यहाँ से जो है दुकानों को शिफ्ट कर दिया गया है दूसरे ग्राउंड में। मैं अभी आपको दिखाऊंगी वो। ये देखिए, ये है यहाँ की पुरानी दुकानें जो काफी समय से अपनी ही जगह पे बनी है। ये है पंचदशनामा जूना अखाड़ा, यहीं पर कल बूढ़ी दिवाली का आयोजन हुआ था और यहीं से निकलती है छड़ी यात्रा। तो यहाँ से फिर हम टर्न लेंगे नीचे की तरफ, आपको दिखाते हैं नाटी जो कि निरमंड की खास है, स्टार्ट हो चुकी है। और देखिए, सबसे पहले आपको देवता जी के दर्शन कराएंगे हम। ये देखिए, सबसे पहले आपको मैं हमारे कुलिष्ठ यानी निरमंड जी के, निरमंड के कुलिष्ठ के दर्शन करा देती हूँ। तो जी ये देखिए, ये हैं हमारे देवता जी और यहाँ पे चल रही है निरमंड की विशाल नाटी जो कि यहाँ के ट्रेडिशन को दिखाती है। एक मिनट बेटा, आप देख सकते हैं सबसे आगे जो है इस गांव के सबसे बुजुर्ग हैं और नंगे पैर नाच रहे हैं, जो कि दर्शाता है देवी देवताओं की भूमि है। तो इस तरफ तो देवता जी विराजमान है, पीछे चल रही है नाटी, बट हम जा रहे हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, जहाँ पे जिस ग्राउंड में जो है मेले का आयोजन हो रहा है वहीं जाएंगे और वहाँ पे दिखाएंगे आपको किस तरह से दुकानें लगी हैं, किस तरह से बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए झूले लगे हैं, राइड्स हैं। और यहाँ देखिए आप परशुराम जी की कोठी जो कि काफ़ी पुरानी है, इस गांव के इतिहास को दर्शाती है। ये देखिए, ये भी है एक मंदिर छोटा सा, और ये भैरव बाबा जी का मंदिर है। और ये देखिए, ये देवता जी का स्थान है जो कि काफ़ी पुराना है, पौराणिक चीज़ें हैं ये, काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं। और ये है परशुराम जी की कोठी, काफ़ी बड़ा मंदिर है। परशुराम जी जो है इस कोठी के अंदर, यानी इस टाइप के, इस तरह के जो है 7 गेट हैं, उन 7 दरवाजों के पीछे जो है परशुराम जी विराजमान है। काफ़ी बड़ी सी कोठी है ये, काफ़ी बड़ा सा मंदिर है और काफ़ी प्राचीन है, आप देख सकते हैं। तो हम जा रहे हैं थोड़ा आगे तक। इस तरह से हैं निरमंड के अंदर मकान दोनों तरफ, और बीच में देखिए आप छोटा सा रोड है, काफ़ी साफ़ सुथरा एरिया है, खूबसूरत से मकान है। बेसिकली एक टाउन है लेकिन गांव भी है, यहाँ लोग खेतीबाड़ी भी करते हैं। मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए, यहाँ पे लोग खेतीबाड़ी भी करते हैं, इस तरह से घास की टोलियाँ लगा रखी हैं। और ये देखिए कितने खूबसूरत से केले के पेड़ हैं, बहुत से जो हैं यहाँ गांव के अंदर गाय पशु भी पालते हैं, और बहुत से लोग तो हैं पशुपालना बंद भी कर चुके हैं समय के बाद। मैं तो, मुझे लगता है मैं प्लस टू के बाद आज फर्स्ट टाइम आ रही हूँ।
प्लस टू पास आउट होने के बाद इस एरिया में मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। सोचो कितनी सालों के बाद आ रही हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है इधर। तो गाइज ये देखिए, ये है स्टेडियम जहाँ पे मेला लगा है। निर्मट के गांव से थोड़ा वॉकेबल डिस्टेंस पे आप कह सकते हैं, 1 या 1.5 किलोमीटर के रन पे है। और शाम का टाइम हो रहा है, बहुत से लोग मेला देख के घर भी जाने लगे हैं। और देखते हैं अंदर क्या क्या मिलेगा। बूढ़ी दिवाली मेला निर्मट, ओह माय गॉड, काफ़ी बड़ा। तो ये है मेला ग्राउंड की झलक। ये पास में है स्टेडियम, काफ़ी खुला सा मैदान है। और इस तरफ थोड़े बहुत स्टॉल हैं और काफ़ी सारी दुकानें अभी लगी नहीं हैं। और उस तरफ देखिए आप, बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए झूले हैं, मिकी माउस है। और यहाँ से व्यू कुछ इस तरह से नज़र आता है। देखिए यह स्टेडियम जो कि काफ़ी बड़ा है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो है 1 या 2 बार सीएम साहब ने भी लैंड किया है बाय हेलीकॉप्टर। अगर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये वाली जो बिल्डिंग है, ये देखिए ये वाली बिल्डिंग, ये है हमारा स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल निर्मंड, जहाँ से मेरी प्लस टू हुई है। और वो ऊपर वाला वो है सुनैर, जो कि है मेरे मायके वाला गाँव। और इस तरफ देखिए आप, व्यू कितना खूबसूरत है। ये देखिए व्यू काफ़ी खूबसूरत है यहाँ से। तो धूप भी जा चुकी है थोड़ी सी, यहाँ पे सनलाइट आपको दिख रही होगी क्योंकि सनसेट हो चुका है। इससे पहले 2 साल कोविड की वजह से मेला नहीं हुआ था। और उससे पहले जो है इस मेले का आयोजन होता था निर्मंड के गांव के अंदर ही, यानी जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, और उसी जहाँ पे मैंने अभी आपको नाटी दिखाई थी। लेकिन जो ये वाला मेला होता है, लाइक जहाँ पे झूले लगते हैं, दुकानें लगती हैं, ये उससे भी साथ में एक मतलब वहीं लोकल लोगों के जो प्लॉट होते थे वहाँ लगता था। लेकिन जगह छोटी या तंग होने की वजह से इसे शिफ्ट कर दिया गया है इस तरफ। काफ़ी बड़ा स्टेडियम है यहाँ पे। मैं आपको बताऊँ, स्टेडियम इतना बड़ा है ये कि दुकानें और झूले जो है कम पड़ गए हैं यहाँ के लिए। तो लवी मेला की जो ग्राउंड था लगभग उतना ही ये बड़ा है। बट थोड़ा छोटे स्तर का मेला है, ट्रेडिशनल मेला है ये। जैसे लवी मेला जो होता है वो है ट्रेड फेयर, ये बेसिकली है एक ट्रेडिशनल। लेकिन अब जो है बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए थोड़े बहुत झूले लगा दिए गए हैं। इस तरफ देखिए आप, चलिए दिखाते हैं क्या क्या है मेले के लिए, बच्चों के एंटरटेन के एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या है यहाँ पर। बोटिंग, हाँ ये देखिए यहाँ पे हो रही है बोटिंग, ये आप देख सकते हैं। ये एक प्लास्टिक का पाउच सा है, इसके अंदर पानी भर रखा है और इसमें हो रही है बोटिंग। और इस तरफ देखिए मिक्की माउस, और इधर भी है बच्चों के लिए छोटे छोटे से झूले। ये देखिए ये भी है एक झूला जो कि अभी बंद है, और उधर बोटिंग वाला है, और इधर बच्चे जो है एंजॉय कर रहे हैं। और व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं चारों तरफ का व्यू। ऊंची ऊंची सी पहाड़ियाँ हैं और सनसेट हो चुका है और वेदर है एकदम क्लियर। तो मौसम तो एकदम साफ है और ठंड बढ़ती जा रही है। जैसे दिन के टाइम धूप होती है तो उस टाइम तो सर्दी का एहसास नहीं होता, जैसे शाम हो जाती है, सनसेट हो जाता है, वैसे ठंड सी थोड़ी सी बढ़ने लग जाती है। और इस तरफ देखिए अभी दुकानें लगनी स्टार्ट हुई हैं। हाँ वो देखो ऊपर, वो है सुनैर जो गाँव नजर आ रहा है। और इस तरफ स्कूल है हमारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल निर्मंड, जहाँ से मेरी प्लस टू हुई है। ग्राउंड काफ़ी बड़ा है, मैं ये कह रही हूँ कि ये लवी ग्राउंड जितना ही बड़ा लग रहा है मुझे, है ना। ग्राउंड बड़ा है बट यहाँ जो झूले और दुकानें हैं वो छोटी कम पड़ रही हैं। ये दुकानें कल लगी है, देखिए यहाँ पे नंबरिंग हो रखी है, दुकानें लगेंगी। एक्चुअली आज फर्स्ट डे है, इस वजह से थोड़ा सा खेल परिसर निर्मल, यहाँ पे मैचेस होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं। और यहाँ पे जो है पूरे के हेलीकॉप्टर का जो साइन बना है, अच्छी यहाँ पे 1 या 2 बार शायद हेलीकॉप्टर भी लैंड हुआ है। काफ़ी बड़ा मैदान है। इस तरफ देखिए यहाँ पे प्रदर्शनी है, मैं आपको प्रदर्शनी दिखाती हूँ ज़रा। वो जो कि शायद इस वक्त बंद हो चुकी हैं क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है। और ये जो मेला ग्राउंड है ये है गाँव से काफ़ी दूर, यानी 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। और चारों तरफ देखिए आप कितना सन्नाटा है, खेत हैं, घर कहीं नज़र नहीं आएगा, लेकिन ड्राइव इन है जो कि सबसे अच्छी बात है। बट प्रदर्शनी मुझे लगता है अभी बंद हो चुकी हैं, जो कल सुबह खुलेंगी। तो जी झूला फाइनली स्टार्ट हो गया और हर्षित जो है झूले में बैठ के आनंद ले रहा है झूले का। मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा,
रल्लू और सुनैर जो है निर्मन से 3 या 4 किलोमीटर की रेंज में है, ज़्यादा दूर नहीं है, वो पास में ही आपको 2 गांव नज़र आ रहे होंगे। ये है एक्चुअल में हमारे पुश्तैनी मकान, मतलब यहाँ पर है हमारी ज़मीनें हैं। निर्मन का जो घर है वो तो पापा ने बाद में ख़रीदा था, लेकिन वो है एक्चुअल में मेरे मायके वाला गाँव। तो यहाँ से हम लोग, ये देखिए बैक साइड में आपको ग्रीन सी छत वाला जो इस तरफ दिख रहा है स्कूल, तो वहाँ से हम यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। 6 से लेकर 12 तक की मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है, मतलब 6ठी से लेकर 12वीं तक मैं इसी स्कूल में पढ़ी हूँ। डेली हम वहाँ से यहाँ आते थे सुबह और शाम को वापस जाते थे। तो आजकल के बच्चों के में और हम लोगों में कितना डिफरेंस है आप समझ। टाइम जो है यहाँ पर ठंड बढ़ जाती है, क्योंकि दिन के टाइम जो है चारों तरफ आप देख सकते हैं खुला खुला सा है, और धूप जो है सुबह से लेकर शाम तक रहती है और बहुत मज़ेदार धूप लगती है। विंटर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ा हाइट में है। कभी कभी तो इतना टेम्परेचर डाउन हो जाता है यहाँ पे जनवरी के मंथ में कि यहाँ तक जो है स्नोफॉल हो जाता है। वैसे हाइट वाली पहाड़ी में तो होता है, पर कभी कभी जो है डाउन टाउन तक जो है स्नोफॉल हो जाता है। तो इस वक्त भी है ठंड थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। तो अब हम निकलेंगे सीधा गाँव की तरफ, निर्मन के मेन मार्केट की तरफ, देखेंगे वहाँ पर नाटी अभी चल रही है। और शाम को होगा जहाँ पे मैंने आपको नाटी दिखाई थी, वहीं पर सामने एक मंच है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा वहाँ पर, स्टेज है यानी। तो देखते हैं शाम को कोई पहाड़ी सिंगर आएंगे, उससे पहले स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम होता है। तो अब निकलेंगे, नाटी देखेंगे और फिर शाम को प्रोग्राम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं लाइटें ऑन हो चुकी हैं, हम थोड़ा सा आते आते हो गए लेट, और आई थिंक देवता जी का डांस चल रहा है, देवता जी नाच रहे हैं। और ये देखिए परशुराम जी की कोठी के पास पहुंच चुके हैं हम। नाइट फंक्शन होगा और यहाँ पे चेयर्स लगेंगी। तो शाम का जो नाटी का और देवता जी का जो फंक्शन रहता है वो फिलहाल के लिए हो चुका है क्लोज। तो अब सब लोग जाएंगे अपने अपने घर और फिर मिलेंगे। हाय, हाँ हाँ, ये लो, ये देखो गौरिक डूड, यस, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। हाय, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड, हम लोग साथ में आप निर्मल में सब लोग अपने, थक जाऊंगी मैं मिलाते सब लोग अपने हैं। अच्छा, उसका फंक्शन है अभी। तो शाम का जो इवनिंग का जो कार्यक्रम रहता है वो फिलहाल के लिए स्टॉप हो चुका है, सब लोग जा चुके हैं अपने अपने घर। उसके बाद हम आएंगे डिनर करके, फिर अटेंड करेंगे नाइट फंक्शन जो भी होगा स्पेशल। तो ये देखिए, ये जूना अखाड़ा, यहीं पर रात की दिवाली हुई थी, जो मैंने आपको आग वाली वीडियो दिखाई है। आ जाओ भी जल्दी।